अगर आप भी एक वीडियो क्रिएटर हैं और अपनी वीडियो को प्रमोट करवाना चाहते हैं गूगल एड्स के थ्रू, तो यहाँ पे गूगल एड्स से अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई है यूट्यूब पे अपनी वीडियो प्रमोट कराने के लिए। अब यहाँ पे वैसे हम सोचते तो हैं कि यूट्यूब पे अपनी वीडियो जो है गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करा ले, लेकिन हमें सही तरीका नहीं मालूम होता है और बहुत सारे लोग ऐसे ही गूगल एड्स के थ्रू बिना सोचे समझे, बिना उसका सही तरीका जाने गूगल एड्स के थ्रू वीडियो प्रमोट कराते हैं, लेकिन उनको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। अब आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी बातों के बारे में जिनको ध्यान में रखकर अगर आप अपने वीडियो की जो एड्स हैं उनको रन करवाते हैं तो आपको 100% फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे आपको 5 चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है वो वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप गूगल एड्स पे एक नई ईमेल आईडी से साइन अप करते हो तो वहाँ पे आपको 2000 रुपये तक का बोनस मिलता है। यानी कि अगर आप अपनी तरफ से 1000 रुपये के एड्स चलाते हो तो गूगल आपको 1000 रुपये और देगा एड्स चलाने के लिए, अगर आप 2000 रुपये के एड्स चलाते हो तो गूगल आपको 2000 रुपये देगा, लेकिन 2000 से ज़्यादा नहीं देगा। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि मैं 500 रुपये की एड्स चलाऊंगा और गूगल जैसे बोल रहा है कि 2000 रुपये मिलेंगे तो 2000 रुपये के एड्स उसकी तरफ से मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जितने रुपये आप लगाएंगे उतने रुपये तक ही आपको गूगल की तरफ से मिलेंगे एड्स रन करने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कि एड्स रन करने से पहले हमको 5 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात और, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपके पास पहले तो वीडियो का बहुत बड़ा स्टॉक होना चाहिए। यानी कि देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और फर्स्ट वीडियो ही एड्स पे लगा देते हैं। देखिए, यहाँ पे इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी आपकी वीडियोस देखेंगे, अब मान लीजिए आप ऐड रन करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो के, तो वो बहुत सारे लोगों के सामने जाएगी, उनमें से कुछ लोग आपको सब्सक्राइब भी करेंगे, कुछ लोग आपको, यानी कि मोस्टली मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं फर्स्ट वीडियो देखने के बाद। और उसके बाद जब आपके पास केवल एक ही वीडियो होगी तो कोई दूसरी वीडियो उनके ब्राउज फीचर में जाएगी नहीं, क्योंकि आपके चैनल पर ही एक वीडियो है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा आपकी वीडियो देखने के लिए। तो इसलिए जब भी आप गूगल एड्स रन करें तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि आपके पास ज़्यादा वीडियोस होनी चाहिए अपलोड की हुई अपने चैनल पे। कम से कम अगर आप कैटेगरी वाइज बात करें तो अगर आप एंटरटेनमेंट कैटेगरी के वीडियोस बनाते हैं तो वहाँ पे आपके पास कम से कम 10-15 वीडियोस होनी चाहिए। अगर आप एक टेक कैटेगरी के वीडियोस क्रिएटर हैं तो आपके पास कम से कम 50-60 वीडियोस होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जिस वीडियो को आप एड्स के थ्रू प्रमोट करवाना चाहते हैं वो वीडियो जो है आपकी सबसे बेस्ट वीडियो होनी चाहिए। देखिए, आप ऐसे ही किसी भी वीडियो को प्रमोट मत करवाइएगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो प्रमोट करवानी ही है तो आप अपनी सबसे बेस्ट वीडियो प्रमोट कराइए, ताकि वो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको लाके दे, अच्छे सब्सक्राइबर लाके दे, अच्छे व्यूज़ लाके दे। व्यूज़ तो खैर जितने गूगल के पास आपने पैसे लगाए होंगे उतने आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आती है, अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं होगी तो उसका ऑडियंस रिटेंशन डाउन हो जाएगा, लोग आपकी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, और उसके बाद जब उसके ऐड ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद वो और ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगी। तो इसलिए आपकी जो बेस्ट वीडियो है वही आप गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करवाइए। और साथ ही साथ एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो आपने वीडियो प्रमोट करवाई है गूगल एड्स के थ्रू, उसी टॉपिक से रिलेटेड यानी कि उस नीश से रिलेटेड आपके पास और वीडियो भी चैनल में होनी चाहिए, ताकि जिन लोगों ने आपकी वीडियो देखी है वो और वीडियो जो आपके चैनल में उस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो भी अगर उनके ब्राउज फीचर में जाएं तो वो उस वीडियो को भी देखें, और उनमें से अगर कुछ लोगों ने आपकी वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था तो जब अदर वीडियोज़ उससे रिलेटेड अदर वीडियो जब उनके ब्राउज फीचर में जाएंगी तो वो आपकी अदर वीडियो देखेंगे और उनको लगेगा कि हाँ, ये जो पर्सन है, ये यूट्यूबर जो है, ये हमारे काम की वीडियोस बनाता है, तब जाके वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको किसी ऐसे वीडियो को प्रमोट करवाना है जो कि डिमांडिंग टॉपिक्स हो, यानी कि जिस चीज़ को लोग सर्च करते हैं या जिस चीज़ को लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं, जिस टॉपिक के बारे में हमेशा देखते ही रहते हैं या हमेशा जो टॉपिक सर्च में रहता है, उस टाइप की वीडियो को आपको प्रमोट करवाना है। देखिए, अब ऐसे में होगा क्या, मान लीजिए कि आप कोई ऐसा टॉपिक वाला वीडियो प्रमोट करवा देते हैं जिसको लोग देखते ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप उसको ऐड को रन कराएंगे तो उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत देर में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि मान लीजिए आज आपने ऐड रन करवाई है और जो YouTube है उसने ऐड रन करनी शुरू भी कर दी है, लेकिन कोई उस वीडियो को देखना ही नहीं चाहता, तो वो ऐड जो है बहुत लंबे टाइम तक चलेगी और आपको बहुत स्लोली रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पे
वीडियो जो बना रखी है आपने, जो कि सर्च होता रहता है या डिमांडिंग है या फिर जो लोग देखना पसंद करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई वीडियो प्रमोट करवाते हैं तो वो वीडियो जो है जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट गेन करके देगी। अब जो चौथी चीज़ यहाँ पे लोगों के दिमाग में आती है कि यार हम कितना पैसा खर्च करें। देखिए, अगर आप ऐड रन कर रहे हैं, सबसे पहले तो जो गूगल एड्स में रन करते हैं कम से कम आपको 500 रुपये की ऐड जो है वो रन करनी पड़ती है। 500 रुपये से कम आप ऐड रन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में अपनी एड्स रन करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप 2000 तक भी ऐड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ट्रिक और यूज़ कर सकते हैं कि एक ईमेल आईडी से आप 2000 रुपये एड्स रन करके पहली बार जब आप उस पर साइन अप करेंगे तो 2000 रुपये के ऐड रन करिए और 2000 रुपये आपको गूगल एड्स की तरफ से मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब आप दोबारा ऐड रन करते हैं तो आप कोई और ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए या किसी और की ईमेल आईडी से ऐड रन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको फर्स्ट टाइम जब आप साइन अप करेंगे तो आपको 2000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। तो इस तरह से आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए आप वैसे शुरुआत करते हैं तो आप 500 रुपये से कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर 2000 रुपये तक हैं खर्च करने के लिए अपनी वीडियोज़ के लिए तो आप इस तरह से ये ट्रिक आजमा के ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं या ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियो पहुँचा सकते हैं। यानी कि जितने आप पैसे लगा रहे हैं उस पैसे में आपको जितने लोग मिलेंगे उससे डबल लोगों तक आपकी वीडियो पहुंच सकती है। अब जो पांचवी चीज़ है, पांचवी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं जितने का ऐड रन कर रहा हूँ क्यों ना मैं उतने रुपए की कोई चीज़ खरीद के उसका गिव अवे कर दूँ। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि आप 1000 रुपये का ऐड लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐड लगाने के बजाय 1000 रुपये की कोई चीज़ या कोई गैजेट खरीद के उसका गिव अवे कर दूँ। तो वहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए आपने गिव अवे रखा, बहुत सारे लोग केवल गिव अवे जीतने के लिए ही आपके चैनल पे आएंगे, ना कि आपकी वीडियोज़ देखने के लिए। यहाँ पे वो आपको सब्सक्राइब तो कर देंगे आपका गिव अवे जीतने के लिए, लेकिन जैसे ही उनको लगेगा कि अगर मान लीजिए वो गिव अवे नहीं जीतते हैं तो उसके बाद उनको लगेगा कि यार हटो, यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होता, इसे अनसब्सक्राइब करके वापस चलो। तो इस तरह से अगर आप गिव अवे रखते हैं तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी जो वीडियोज़ है उसका जो कंटेंट है वो अच्छा है, नॉलेजफुल है, और आप एड्स रन करते हैं तो ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचेगा और लोगों को लगेगा कि हाँ ये अच्छी जानकारी देता है, तो वो आपको 100% सब्सक्राइब करेंगे और हमेशा आपके व्यूअर बने रहेंगे। तो यहाँ पे जो लोग ये सोचते हैं कि जो गिव अवे है वो एड्स से ज़्यादा बेटर है तो वो गलत सोचते हैं। मेरा मानना ये है कि यहाँ पे गूगल एड्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है गिव अवे से। तो आप भी अगर स्टार्टिंग में ऐसा करते हैं तो आप गिव अवे बिल्कुल मत कीजिए, उससे अच्छा आप एड्स रन कर सकते हैं। तो बस ये वो 5 पॉइंट थे जो गूगल एड्स के थ्रू अपनी वीडियो प्रमोट करवाने से पहले आप लोगों को अपने दिमाग में रखने हैं, उसके बाद ही आपने वीडियो प्रमोट करवानी है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह से आपको वीडियो प्रमोट करवानी है गूगल एड्स के थ्रू, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ किस तरह से लाने हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से आपको अच्छे से अपनी गूगल एड्स के थ्रू वीडियो प्रमोट करवानी है। तो बस यार, यही कुछ था इस वीडियो के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन दबा दो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।